to be educated. तो वो सरप्राइज आ चुका गाइस, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे हर एक चीज़ फुलफिल करने देते हैं बस। तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मेरे को तो अंदर से ही। और अभी हेल्प कर रहा है सफाई में, तो बहुत ज़्यादा हैवी है बट अब तो मैं आगे इसका एक्चुअल हो ही चुका हूँ। बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वालिटी लग रही है, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी कर रखी है एंड स्लोगन। बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो गाइस टुडे इज द नेक्स्ट डे एंड मैं नहा कर एकदम से रेडी हो चुका हूँ, आ रहा हूँ अभी नहा रहा है एंड घर में भी चल रहा थोड़ा बहुत सफाई का काम, बिकॉज आज है गुड फ्राइडे एंड आज बेसिकली गाइस मेरी छुट्टी है एंड आरओ की भी छुट्टी है गाइस। तो आज का बेसिकली प्लान कुछ ऐसा है कि आज बेसिकली मैं बाहर जाने वाला हूँ, ट्रैवल करूँगा, कुछ अच्छी जगह पर जा पाऊँ। बेसिकली अभी तो प्लान कुछ ऐसा बना नहीं कहाँ जाना है बट चलते चलते बन जाएगा। सो देखते हैं गाइस कहाँ चलते हैं पहले। यहाँ पर अभी मैं कर रहा था अपने लास्ट ब्लॉग की एडिटिंग एंड थोड़ा से गेमिंग कीबोर्ड के साथ जो वाइब आते हैं ना, इस पर एडिटिंग करने में मज़ा आता है गाइस। थोड़ा से एडिटिंग को गाइस ख़त्म करते हैं एंड गाइस जो सरप्राइज़ की बात मैंने आपको लास्ट से लास्ट ब्लॉग में बताया था, मतलब सेकेंड लास्ट ब्लॉग में बताया था बेसिकली, तो वो सरप्राइज़ आ चुका गाइस, आरओ के स्पेशल गेमिंग हेडसेट, तो वो फाइनली मुझे डिलीवर हो चुका है एंड मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ बिकॉज आरओ तक आवाज़ ना चली जाए। एंड गाइस इसको पहले अनबॉक्स करते हैं एंड अनबॉक्स तो खैर आराम से कराऊंगा मैं एंड रिव्यू आपको तो उसका दे दूंगा मैं, डाल दूंगा चैनल के अंदर एंड पहले देखते हैं आर का रिएक्शन क्या होगा गाइस, तब बेसिकली मज़ा आएगा। हेडसेट उसको गिफ्ट करूंगा एंड फुल आरजीबी वाले एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के हैं ये एंड अगर आप रिव्यू कहते हो तो इसका रिव्यू डाल दूंगा, तो होप सो आगे आने वाली वीडियो उसका रिव्यू आ जाए एंड आर का पहले देखते हैं रिएक्शन क्या होने वाला है जब मैं उसको हेडसेट गिफ्ट करूंगा गाइस। दिलवाया तो पापा नहीं है तो श्रेय उसका पापा हो जाता है, मैं तो सेकेंड चीज़ हूँ। बाकी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाई है स्टार्टिंग में एंड सारे इक्विपमेंट्स दिलाए, गोप्रो दिलाया, उसके बाद एक गेमिंग पीसी दिलाया एडिटिंग के लिए, सॉफ्टवेयर दिलवाया उसके अंदर एडिटिंग के लिए। तो थैंक्स अ लॉट टू माई डैड, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझे हर एक चीज़ फुलफ़िल करने देते हैं बेसिकली, हर एक नीड मेरी फुलफ़िल करते हैं, हर एक मेरी वॉन्ट फुलफ़िल करते हैं, नीड तो करते ही करते हैं, वॉन्ट बेसिकली आ जाता है गाइस PC एंड ऑल, तो ये सब कुछ मेरे को उन्होंने दिलाया, तो थैंक्स अ लॉट टू माय डैड। शाबाश बेटा। एंड गाइस आपको मैं एक बात बताना भूल गया था कि मैंने आरओ के लिए हेडसेट के साथ गेमिंग माउस पैड भी कर दिए थे, तीन तीन ऑर्डर गाइस, एक मतलब घर के लिए एंड एक छोटा सा और जगह है हमें यहाँ पे बेसिकली इक्विपमेंट की जरूरत होती है छोटे मोटी चीज़ों की, तो दो मतलब बेसिकली मैंने तीन ऑर्डर कर लिए थे, तो मतलब पूरे गेमिंग वाले हैं एंड फुल स्पीड गियर वाले हैं वो, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड आरओ का तो मज़ा आने वाला है। हेडसेट तो उसका आ चुका है गाइस, तो उसके हेडसेट मैं दूंगा भी 5-10 मिनट तक, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी होगी मेरे को तो अंदर से ही एंड पापा को बताता हूँ एंड ऑल, पापा का तो आई गेस पता था, तो देखते हैं चलो पहले रिएक्शन देखते हैं आरओ का गाइस। सो गाइस आरओ भी हेल्प कर रहा है सफाई में एंड अभी वरांडा साफ हो रहा है बेसिकली गाइस एंड इन सबको पौधों में पानी दे चुके हैं एंड कितना सही लगता है भाई, शाइन मार रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। मैं आ चुका था बाहर वरांडे के अंदर एंड सिस्टम हैंग हो रहा था पूरा, पानी पानी हो रहा था नीचे और सफाई चल रही है एंड देखता हूँ गाइस, अभी मैं सोच रहा हूँ कहीं तो जाने का, कॉज मेरा आज मन कर रहा है कहीं जाने का, देखते हैं गाइस कुछ सिस्टम बनता है तो चलेंगे पक्का। गाइस नाउ बेसिकली इट्स माय वर्कआउट टाइम एंड तब तक के लिए आप छोटा सा एक टाइम रैप एंजॉय कीजिए। बंडल इज ऑफ 15 kg, लेट मी शो टू यू, रिस्क लिया था गाइस मैंने, इसको हवा में उछाल के कैच करा था। यस गाइस तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 लिखा है 1.5, तो बहुत ज़्यादा हैवी है बट अब तो मैं आगे इसका एक्चुअल हो ही चुका हूँ, बीच में मैं स्किप कर देता हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम बट अब भी मैं काफ़ी अप्रॉक्स 2 weeks के बाद कर रहा था वर्कआउट। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो ऐसे तो काम नहीं चलता गाइस, अगर आपको आप करते हो तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा, तो थोड़ी कंसिस्टेंसी बनानी पड़ती है तभी इसका फ़ायदा होता है एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा कि 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप भी डेली करो, बिकॉज इससे आपका शरीर फिट रहेगा एंड जो आपको अगर आप कुछ ज़्यादा सोते हो आपको ज़्यादा नींद आती है अप्रॉक्स 9 to 10 hours, तो वो भी आपकी कम होकर 7 to 8 hours पे स्टिल हो जाएगी, तो वो फ़ायदा रहेगा आपको एंड आपकी बॉडी भी उससे फिट रहने वाली है गाइज। इसको उठाने के बाद गाइज वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा गोप्रो तक भी उठा पाता बिकॉज इट्स टू हैवी एंड आप वेज देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकल जाती है जब इसको उठाते हैं तो, और ये बिल्कुल आयरन का बना हुआ है, दैट्स वाई इधर वेट बहुत ज़्यादा है एंड मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना है एंड वही चीज़ मुझे अच्छी लगती है इसकी। अच्छा हमको सिखा रहा है गाइस,
अब बेसिकली ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है, तो पहले लेते हैं ब्रेकफास्ट एंड देखता हूँ फिर चलता हूँ कहीं। एंड मैं सोच रहा हूँ कि बाहर छोटा सा ही अपने टाउन का टूर लेके आते हैं एंड थोड़ी बहुत राइड भी हो जाएगी, बिकॉज राइडिंग वो टाइम से करी नहीं है। एंड गाइस जो हंटर 350 का प्लान बन रहा था उसके रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे उसकी तरफ जाना चाहिए या फिर एक और बाइक है वो है BMW 310 RR। गाइस वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। एंड वैसे तो मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ कि मैं अभी क्रूजर बाइक की तरफ जाऊँ, बिकॉज ये स्टार्टिंग है, बिकॉज हैवी बाइक पे इतना सिस्टम थोड़ा बनता नहीं है। वैसे राइडिंग तो मैं बहुत टाइम से करता आ रहा हूँ, अब से नहीं, मतलब तब मेरे पास इतनी अच्छी बाइक्स नहीं थी एंड अभी भी गाइस इतनी अच्छी नहीं है। कार ड्राइविंग एंड बाइक का मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, कार्स एंड बाइक्स का बेसिकली। गाइस तो देखते हैं, अगर आपको 100-350 गाइस पसंद आ रही है, पर्सनली मुझे बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्रूजर बाइक के मामले में काफ़ी अच्छी है। एंड जैसे अब वैलीज पर जाना हो गया, लद्दाख स्पीति एंड ऑल, तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। एंड वहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक थोड़ी सी मार खा जाती हैं, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस का इशू रहता है बस, बेसिकली तो यही है। एंड पावर तो गाइस स्पोर्ट्स बाइक्स में होती है, इनिशियल ज़्यादा अच्छा होता है, बट कई बार टॉप एंड क्रूजर बाइक का ज़्यादा अच्छा मिल जाता है गाइस। तो देखते हैं क्या सिस्टम बनता है एंड आपका मेरे को सजेस्ट कीजिए, उसी हिसाब से हम बाइक ले लेंगे गाइस। सो गाइस अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि मैंने आर के लिए माउस पैड भी मंगवाए हैं, तो डिलीवरी वाले भैया आ चुके हैं, तो लेते हैं फटाफट से उनसे माउस पैड। एंड मैंने 3 मंगवा लिए थे, तो फटाफट चलता हूँ, पहले मैं माउस पैड की डिलीवरी लेके आता हूँ। सो गाइस अभी चलते हैं फ्रॉड से एंड लेते हैं फ्रॉड से डिलीवरी माउस पैड्स की। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने माउस पैड एंड नॉन स्पॉन्सर्ड गाइस, बाकी बहुत ज़्यादा जबरदस्त क्वालिटी लग रही है, पैकेजिंग तो बहुत अच्छी रखी है एंड स्लोगन देखो गाइस स्विच टू गॉड मोड। तो करते हैं, घर ले जाते हैं फ्रॉड से, करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग गाइस। एंड भाई के पास खुले नहीं थे तो मैंने उसे रहने दिए, चेंज लिए ही नहीं, चलते हैं फटाफट से पहले देखते हैं क्या सिस्टम है इसका एंड मतलब मज़ा आ गया देख के। तो करते हैं इसके फटाफट से अनबॉक्सिंग एंड चेकआउट करते हैं कि किस लेवल के एंड किस क्वालिटी के माउस पैड्स हैं, तब दिखाऊंगा सिस्टम है क्या लगेगा भैया। इसके अंदर बहुत भारी एंड बहुत बड़ा है, यूज है भाई, ज़बरदस्त लगा मेरे को। इसके अंदर हो सकता है भाई, भारी तो नहीं है, है तो हल्की बट मज़ेदार है मेरी बहुत ज़्यादा। कैसा ऐसा क्या है, मज़ा तो बताएगा कुछ, खोलेंगे जब तब तो चलेगा भाई, अभी नहीं खोल खुल थोड़ा खोल था मुझसे। तो भाई फाइनली अब हम इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं बेसिकली, तो अभी ऊपर कवर उतारते हैं एंड देखते हैं क्या सिस्टम है फिर अंदर का। तो भाई यहाँ पर आरव करने जा रहा है इसकी अनबॉक्सिंग आज, सो आरव भाई बात करते हुए एंड आरव कर दे भाई अनबॉक्सिंग। सो गाइस यहाँ पर कट चुका है डब्बा, आराम से फीलिंग ले कर लाती है, बॉक्सेस बार बार नहीं आते। सो गाइस यहाँ पर खुल रहा है, जल्दी कर भाई थोड़ा, जल्दी से क्या होता है यार, आराम आराम से करने कि हमें है ना। सो गाइस यहाँ पर टेप निकाल रहा है इसकी एंड कुछ इतना से देखा था, तो इस पैकेजिंग तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से खोलते हैं इसको अपने टाइम में बाबूराव का टाइम भाई ऐसे होके गाइस बहुत ज़्यादा हबड़ हबड़ से खोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि हबड़ हबड़ से खोलने में मज़ा आता है। तो भाई कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है एंड इसके अंदर गाइस देखिए ये पड़े हैं 3-3 माउस पैड गाइस, यही निकालते हैं एंड गाइस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी की पैकेजिंग के साथ किनॉक्स टॉप जी क्वालिटी के माउस पैड्स। यहाँ पर टेप लग रही है, सो गाइस फीलिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है इसकी एंड ज़बरदस्त होने वाले हैं ये स्पीड वाले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस स्पीड मतलब कि फास्ट की में भैया पॉपी वाला चैलेंज करो, ये पॉपी वाला चैलेंज, अगर आपने वीडियो देखी और अगर आप ऐसे हो गए जंप स्केयर हाँ तो आप हार दोगे, और अगर मैं ऐसे हुआ तो फिर मैं हार दूंगा, ठीक है। मैंने पहले भी ये चैलेंज करा है और वो भी मैंने अपने आप से ही करा है, ठीक है। तो मैं तो ऐसे हो गया था, तो आपके चीज़ों ठीक है भाई, चल देखता हूँ मैं भी ट्राई करूँगा। इस वीडियो के अंदर आते हैं अप्रॉक्स 500 लाइक्स तो पक्का करेंगे। ओके 500 की आ जाएंगे